दूर संचार आज हमारी रोजाना की जिंदगी का अभिन्न अंग है। अंतरिक्ष के जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित संचार उपग्रहों से हमें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, बैंकिंग, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एवं टेलीफोन जैसी अनेक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। पिछले 3 दशकों में इसरो ने दूर संचार उपग्रह का एक समूह स्थापित किया है और इसरो द्वारा इनका रखरखाव भी किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1 दर्जन से अधिक उपग्रहों की जीसैट श्रृंखला पूरे देश में दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। जीसैट 30 स्पेसक्राफ्ट इज ए हाई पावर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इट विल रिप्लेस द एजिंग इनसैट 4A स्पेसक्राफ्ट। द सैटेलाइट इज बेस्ड ऑन इसरोस स्टैंडर्ड I3K सैटेलाइट बस एंड विल प्रोवाइड 12 नॉर्मल सी बैंड एंड 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स। कई प्रकार के सेंसर्स, रिएक्शन पहिए तथा थ्रस्टर्स की सहायता से इस उपग्रह को 3 धुरियों पर स्थिर रखा जाएगा। जीसैट 30 इज एन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद अ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 3,357 किलोग्राम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द कंट्री फॉर मोर देन 15 इयर्स। दिस सैटेलाइट विल जनरेट अराउंड 6 किलोवाट्स ऑफ पावर। ए होस्ट ऑफ न्यू एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज are used to realize this satellite। उपग्रह में ईंधन भरने के लिए 2 टंकियां हैं, जिन्हें बीच के स्ट्रक्चरल सिलेंडर में समायोजित किया गया है। जीसैट 30 के मुख्य रॉकेट इंजन लिक्विड अपोजी मोटर को एक अलग डेक पर लगाया गया है, जो सिलेंडर की निचली रिंग से जुड़ा है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपग्रह के पावर सिस्टम में खुलने वाले 2 तरफा सोलर पैनल एवं 180 एम्पियर आवर की क्षमता वाली लिथियम आयोन बैटरी है। जीसैट 30 कम्युनिकेशन पेलोड इज इक्विप्ड विद 12 सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स एंड 12 KU बैंड ट्रांसपॉन्डर्स। सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स आर डिजाइंड फॉर 2-way कम्युनिकेशन यूजिंग वीसैट टर्मिनल्स ओवर ए वास्ट जियोग्राफिकल रीजन एक्सटेंडिंग अप टू Australia in the east and Europe in the west. GSAT-30 will provide continuity of direct-to-home TV services from this lot as well as digital satellite news gathering and very small aperture terminal services. KU band transponders will provide services over Indian mainland and islands. On board KU band beacon transmitter की मदद से भू केंद्र अपने एंटीना को सटीक रूप से उपग्रह की ओर केंद्रित कर पाएंगे। GSAT-30 एरियन स्पेस के एरियन लॉन्च व्हीकल में प्रक्षेपित होने वाला 24वां भारतीय उपग्रह है। एरियन 5V प्रक्षेपण यान GSAT-30 के साथ यूरोप के स्पेसपोर्ट कुरु से उड़ान भरेगा। प्रक्षेपण यान सबसे पहले GSAT-30 को 250x35,975 किलोमीटर की अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में प्रक्षेपित करेगा। उसके बाद उपग्रह की लिक्विड अपोजी मोटर की नियंत्रित फायरिंग करके उपग्रह को GTO से जियोस्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अपने जियोस्टेशनरी कक्षा के घर के पास पहुंचने पर उपग्रह के एंटीना एवं सौर पैनलों को खोल दिया जाएगा। द सैटेलाइट एम्प्लॉयज हाई पावर एम्पलीफायर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीना सिस्टम टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीपल यूजर्स। GSAT-30 के साथ ही इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह उपग्रह हमारी दूर संचार प्रणाली को और अधिक मजबूत करेगा और 2030 के आगे तक देश में उपग्रह दूर संचार सेवाएं प्रदान करता रहेगा।